हेलो एवरीवन, दिस इज नाइस ईयर। सो अब तो यार एडवांस भी हो गया ख़त्म। बाय द वे, मैंने एडवांस के बाद आज 29th हो गए, दो दिन वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि यार मैं पटना में ही था, वहाँ दोस्तों के साथ और मस्ती वगैरह कर रहा था। मतलब मज़ा आ गया, दो दिन बड़ी मस्ती हुआ और मतलब फुल फन और सिर्फ मस्ती नो पढ़ाई। बट और एडवांस की बात करें यार, तो मैंने मेरा पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने मैथ्स में बनाया एक दो क्वेश्चन, बट एक तो तू मतलब क्या बोलते वो गैस भी कर दे, जिसके कारण डर लग रहा है शायद गलत हो गया। तो और बाय द वे, मैंने अभी कोई आंसर की वगैरह मैच नहीं किया, कहीं से भी नहीं किया। अब डायरेक्ट देखते हैं, जब ऑफिशियल आंसर किया गया तभी देखेंगे। और बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो यार फिजिक्स फर्स्ट पेपर में मेरे से भी कुछ क्वेश्चन बना, अच्छा क्वेश्चन बना, बट वो एक जो मॉडर्न फिजिक्स का था ना, सब जो कंबाइन करके था, वी स्क्वायर का, आर स्क्वायर का, एनर्जी का पूछा था, वो मैंने बनाया यार। बट पता नहीं एनर्जी वाला मैंने आंसर ला दिया था, इसलिए वो भी मैंने मार्क किया था। और तो बट मेरा पता नहीं वो, और सब टीचर्स लोग वो नहीं मार्क कर रहे हैं यहाँ पे आंसर की, मैं एक वही देखा तो मैंने छोड़ दिया। पता नहीं शायद कोई सिली मिस्टेक हो गया, बट वो मेरे से बना था और बहुत यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन बना था, और मतलब बनाया था कुछ कुछ, मैं 20-25 मार्क्स या 30 मार्क्स तक का बनाया होगा। केमिस्ट्री में वैसे मतलब कुछ कुछ बनाया था, फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब हो सकता है अच्छा मार्क्स आ जाए, मतलब पता नहीं कितना आएगा यार, क्वालिफाई करेंगे भी कि नहीं और रैंक कितना है वगैरह कुछ नहीं पता है। बट मेरा डिसेंट सा गया ना, पूरा ख़राब गया, लाइक नेगेटिव में आ जाए या तो फिर कुछ ना होने वाला है, पता नहीं यार कैसा गया। मेरे को डिसेंट अभी नहीं पता, मतलब क्वालिफाई भी करेंगे वो भी नहीं पता, बट गए अच्छा ठीक ठाक सा, मतलब एडवांस दे दिए, एक्सपीरियंस ठीक रहा। सेकंड पेपर लास्ट में जाते जाते सो गया, क्योंकि मेरे को उतना अच्छा से मतलब प्रिपरेशन नहीं था, मतलब तैयारी नहीं थी, तो उतना अच्छा नहीं हो पाया, नहीं ही बना पा रहे थे, तो क्या करते सो गए थे और थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारे, और मतलब ठीक ही ठाक गया। 5-6 घंटा में मैं लगभग 4 घंटा हुआ होगा मेरा, 4-4.5 घंटा इफेक्टिव हुआ होगा, क्योंकि उसके अलावा तो मेरे को आता ही नहीं था। सो गया इधर मतलब वाशरूम वगैरह वाटर लाने के लिए बार बार ऐसे इधर उधर जा रहा था, ताकि नींद से बचे। सो ओवरऑल मेरा ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस रहा। स्क्रैबल पैड घर ले आए, ताकि मैंने एडवांस के एग्जाम दे वो ध्यान रखेंगे, वो रखा हुआ है तो बाद में दिखाएंगे। सो ठीक ठाक सा गया मेरा, डिसेंट सा, पता नहीं शायद कुछ हो जाए, बट कुछ भी होगा तो देखते हैं अब ड्रॉप का क्या करना नहीं करना है, कल सोचते, तो कल बताते हैं आगे का। और तुम लोग भी बताओ यार अपना, तुम लोग का कैसा गया था एडवांस एग्जाम्स, कमेंट में मैंने पूछना भूल गया, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर डैट, बट बताना अपना भी बताना। चलो मिलते, बहुत गर्मी है यार, पसीना बहुत गर्मी है, मैंने पंखा बंद कर दिया क्योंकि आवाज़ मतलब आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया, लेकिन पसीना बहुत आ चुका है। सो मिलते हैं कल, अब थोड़ा रेगुलर रहेंगे यार, क्योंकि पता नहीं ड्रॉप करना क्या करना क्या करना, बहुत कुछ चल रहा है, बस एक दो दिन में सारा डिसीजन लेंगे फिर शुरू करेंगे जो करना होगा। सो मिलते हैं कल, और तुम लोग अपना भी बताना यार एडवांस का कैसा रहेगा, क्या कैसा गया तुम लोग का, कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।